अंदर तंदूर बना हुआ है, तंदूर। माय गॉड सोहेल भाई, अभी यहां से आवाज आ रही है, अभी वहां से आ रही। अस्पताल बनाने की कोशिश की जब ने एक बना, ऐसे नहीं छोड़ा जाता सामान कि पेट में हालिया नहीं हुआ, पेट के बाद क्रैक्स पड़ गए हैं, सीलिंग आ गई है। लेकिन जो भी मजदूर ये चीज यहां पर आई है उसका सामान वापस नहीं गया यहां से, का रास्ता जो बाहर से था वो बंद कर दिया सुल में, ये पीछे का रास्ता है इसका।
आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा होगा, हम भी वहीं से आए हैं। इसके अतराफ में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम हैं कहाँ पर। ये दिखाइएगा सुहेल भाई, हम कहाँ पर हैं। सारा जंगल है, सिवाय जंगल के और पीछे पहाड़ के कुछ भी नहीं। इसमें नजर कुछ रिकॉर्डिंग पे आएगा ये अंधेरे के अलावा कुछ? वो देखिए, वो दूर बाइक नजर आ रही है, गाड़ी वो हल्की सी लाइट आती है उससे फर्क पड़ता है बस। बाकी अगर टोटल अंधेरा है। रिकॉर्ड हुई होगी। सुन रहे? ओ माय गॉड, दादा इधर से की आवाज गूंज रही थी जैसे इसके अंदर से आ रही है, सुन लो अब बाहर से आ रही है। साथ है ना? आवाज यहीं से आ रही है। आवाज कौन है? सुन 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 वो 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 सफेद वो 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 झाड़ियों में क्या बकरी का बच्चा है, ये बकरी का बच्चा है। ये आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। ओह माय गॉड, चल 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 चल, तबाह है, तबाह है, तबाह है। तोबस्ता फार, तोबस्ता फार। ये नाम है यार, ये तो कैसे आ गया भाई? यहाँ से कहाँ से आ गया? यहाँ भी देखना, अपने आसपास देखते रहो सारे। लाहौल वाला को बोलते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यार मेरे पास रिकॉर्ड है भाई, ये मेरे पीछे यहाँ तक आया है। हम यहाँ से अंदर भागते हैं। हाँ। ये हमारे पीछे आता है यहाँ पर, यहाँ तक पिलर तक रिकॉर्ड किया है मैंने। हम अंदर चले जाते हैं। हाँ। ये वहाँ से पीछे से हमारे पास आ रहे हैं। कैसे मुमकिन है यार? नामुमकिन है, वो जादू है क्या? वो जादू है, ऐसा नहीं करते। बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं करते। नहीं नहीं, बकरी का बच्चा नहीं। इस जंगल में काम क्या है उसका? इस टाइम अच्छा बुला रहे हैं, मैं वहां बुला रहे हैं। चलो चलो, ये क्या चीज है? क्या हुआ है? पीछे नहीं जाना, आपको पता है ना क्या कुछ हुआ है? हाँ, नहीं पकड़ना, पकड़ना भी नहीं है, पीछे भी नहीं जाना है। इतना खूबसूरत सफेद हिरन की तरह जंपे मार रहा था वो। जी ये भेड़ियों की आवाज सुन रहे सुन रहे? वहां बच्चे का क्या काम, वो कैसे छोड़ सकते हैं? हुआ क्या? हमें शाम से आवाजें आ रही थी। हाँ, वो कहते हैं यहाँ जानवर की आवाजें आती, नजर नहीं आते। हाँ, हम यहाँ हैं, हमने बहुत दूर से सफेद रंग का वो हिरन था, बकरी था, क्या था? सुन भाई, पता नहीं सर, भाई व्हाइट सा बिल्कुल अजीब सा जानवर था वो, लेकिन था वो बकरी का बच्चा, मुझे जहाँ तक नजर आया। वो जंपे कैसे मार रहा था वो? है, मुझे याद है वो झाड़ियों की तरफ गिरा हुआ। हाँ बिल्कुल, वो मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं उसके पीछे जाने लगा, वो मेरे पीछे भागा। बिल्कुल, हम सारे भाग कर उधर गए। वहाँ वहाँ हम पहुंचे नहीं थे, वहाँ से हमारी तरफ दोबारा भाग रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मतलब आप ये देखें कि आप एक चीज को यहाँ देख रहे हैं और सेकंड में आप उस गेट तक पहुंचते और वो वहां पर खड़ा हुआ, और वो यहाँ भी आपके पीछे भाग रहा है, वो वहां भी आपके पीछे भाग रहा है। बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? रिकॉर्डिंग में है हमारे पास। जी मौजूद है, और इत्तेफाक की बात है दोनों कैमराज में।
यार ये कार्ड ना ले गए, अजीब जगह है यार, अजीब जगह है। वक्फे-वक्फे से मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें आ रही हैं यार। शाम से अब कुत्तों की आवाज आई है, भेड़ियों की आवाज आ रही है, ये देखें उस जगह पे ये बकरी का बच्चा कैसे छोड़ सकते हैं। इंसान ना छोड़े वो इस वक्त, अगर कोई हत्या चढ़ गया उनके तो बकरी का बच्चा नहीं था। सुना नहीं आपने, हम उनको उठाने गए बकरी के बच्चे को, बहुत सारे उसका वजन। आपको रोकने का मकसद ही यही था ना भाई, आप तो पीछे जा रहे थे। मुस्तकिल नहीं बोलते ये, यकीनन किसी को देख रहे हैं जिसे हम नहीं देख पा रहे। उधर पीछे वही कमरा है जहाँ पर वो हमें नींबू वगैरह मिले, जला का कमरा। कहीं पांव का निशान तो होना चाहिए ना, कहीं कोई पांव का निशान। भाई शूट कीजिए, यहाँ टाइप का है कुछ आए। रोते हुए की आवाज, ये क्या है? इधर आए सुल्बे, दीवार बनी हुई, पहले कुछ था यहाँ पे, हम वहाँ खड़े हुए थे सामने। है? हम वो इसी तरफ आए, हम उधर थे, ठीक है, हम वहाँ खड़े थे सामने। हाँ। वो इन झाड़ियों के पीछे से निकला था। बिल्कुल यार, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं दरमियान में सुल भाई। वो यहाँ से निकला था और वो इधर हमारी तरफ भागा था, है? हाँ। कहीं कोई पाँव का निशान हमें नजर नहीं आया, ठीक? वो हमारी तरफ भागा, वहीं तक पहुँचा, हम इस घर के पीछे चले गए। हाँ, वो वहाँ आ गया और वो वहाँ हमारे पीछे भाग रहा है। नामुमकिन बात है, मतलब इतनी स्पीड नहीं हो सकती, अगर ये जानवर है ना तो इतनी स्पीड नहीं हो सकती, नामुमकिन बात। उसकी स्पीड कितनी थी? तूफान की तरह वो, बिल्कुल। आवाज यहीं से आ रही है, आवाज। कौन है? खुदा की कसम, अगर कोई इस वक्त आ जाए ना शहर से और उसको सिर्फ ये कहा जाए कि सिर्फ यहाँ से वापसी चले जाए, क्योंकि मैं ये शाम से सोच रहा हूँ कि हम कहाँ से आए थे साहब जी। यार ये देखे तो सही जरा यार, कोई इंसान का बच्चा, कोई जानवर, कोई तो चीज नजर आया हमें। वो दूर को तो दूर लाइटें नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है हम शहर से बहुत दूर है। और हैरत की बात होता हूँ साहब भाई, ये सिर्फ बातों की बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग में चेक कीजिएगा मेरा, कि मैं उसको रिकॉर्ड करके जब अंदर की तरफ भाग रहा हूँ वही चीज दोबारा मैं वहां बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे। अल्लाह रहम करे, बच्चे ना नजर आते हैं आसपास, मेरे बच्चों की भी आवाजें आई थी, बैल की, भेड़ियों की, कुत्तों की, सबकी आवाज। क्या हो गया आज यार? हमने तो सुना था अक्सर लोगों को बकरी का बच्चा मिला कहीं पे, उनको इतना प्यारा लगा, दिल तो मेरा भी आ गया था इस पे जिस तरह जंपे मार रहा था,
उन्होंने उसको उठाया, मोटरसाइकिल पीछे लेके बैठे और वहां से जाने लगे। आगे जाके मोटरसाइकिल रुक गई, उसमें वजन बढ़ गया, वो आगे नहीं जा रही थी। इन्होंने जब पलट कर देखा तो उसकी जो पिछली दो टांगे थी वो वहीं रुकी हुई थी, वहीं रह गई थी जहां से उठाया था। और ये रबड़ की तरह लंबा होके इनके हाथ में आगे इसका सर और दो बाजू थे। सप्ताह तो हमारा रिकॉर्ड किया हुआ है, वो सफेद रंग के खरगोश के पीछे भागा वो। यही होता है कि इस मखलूक को जानवरों की शक्लों में देखा गया है और जब इसके पीछे जो भागा है उसको फिर हमने देखा कि वो अपने हवास में गिरा, उसको फिर उसके बाद कुछ याद नहीं रहा। इस मखलूक ने दो बार हमारी तरफ आने की कोशिश की। अब सोचते हैं कि वो इतनी स्पीड से हमारी तरफ आ रहा था, करीब आता और वो कुछ और बन जाता है, कुछ और कर लेता, हम क्या कर सकते थे? अल्लाह पाक, बिल्ली